एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. दे डिसाइडेड दैट विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 5:3. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट्स प्रिसीडिंग द डेट 2 years प्रॉफिट्स गुडविल. लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार थी. गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट्स प्रिसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम अफेक्टिव. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें क्या था, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years और 2 years. टोटल तो नहीं था, तो हमें क्या आदत पड़ चुकी होती है, अच्छा 3 साल का डेटा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, आदत बन जाती है और हम वो कर देते हैं आंख बंद करके, जबकि लैंग्वेज बिल्कुल अलग बात कर रही है. वो कह रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम अफेक्टिव. द डिसीजन बिकेम अफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 2021. उससे पहले के 2 साल आप आइडेंटिफाई करें तो 2 साल कौन से हो जाएंगे, 2021 और 1920. तो बेसिकली 70,000 और 90,000 गुडविल क्या है, इन दोनों का टोटल. क्या ये मुश्किल था, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, बट पॉइंट इंग्लिश का नहीं होता, पॉइंट आदत की बात होती है कि आपने ऑलरेडी 30-40 क्वेश्चन ऐसे कर चुके होते हो कि आप पढ़ते ही उसको एवरेज हो, भाग रहे होते हो ना, आपको सिर्फ अमाउंट दिख रहे होते हैं, आप लैंग्वेज तो पढ़ ही नहीं रहे होते, तो इसलिए वो जीरो हो जाता है. जबकि कितना सिंपल था, गुडविल इज द टोटल ऑफ 2 years, कोई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं, कुछ नहीं. बट मैं कह रहा हूं कि ऐसी गलतियां सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में ही हो सकती हैं. गुडविल इज इक्वल टू 70,000 प्लस 90,000 विच इज इक्वल टू 1,60,000. क्या है ये गुडविल ऑफ द फर्म. अब वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, कौन सा, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कौन है पार्टनर्स, एक्स वाई 3:1. ओल्ड रेशियो एक्स एंड वाई 3:1. न्यू रेशियो क्या है, 5:3. ठीक है, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एक्स का क्या है ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस 5/8. 8, 4, 2, 3, 2, 6 माइनस 5, 1/8 पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस. वाई का शेयर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 8, 4, 2 माइनस 3 माइनस 1/8. कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, क्लियर. तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 160. तो एक्सेस शेयर ऑफ गुडविल, एक्सेस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 160 × 1/8 विच इज इक्वल टू 20,000. सेम वाई का शेयर आ जाएगा, वाई का भी शेयर क्या हो जाएगा 20,000. जस्ट दैट वाई गेनिंग पार्टनर है और एक्स सैक्रिफाइसिंग. तो बताओ बेटा कृषा, जर्नल एंट्री क्या होती है गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कॉन्सेप्ट वाइज. और बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000. ठीक, 20,000. इजी या वेरी इजी, वेरी इजी था प्रोवाइडेड पढ़ा होता.
लैंग्वेज में उन्होंने खेला, तो मतलब गुडविल कैलकुलेटर में तो ज्यादा आसान था, एवरेज में तो फिर भी थोड़ा प्लस डिवाइड करना पड़ता है, सिक्स तक की मैथ्स यूज होती है, इसमें तो फिफ्थ का काम था, प्लस करना था बस। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, क्वेश्चन 24,